तो आज हम लोग देखेंगे बम्बई का स्पेशल सैंडविच पूना में, कहाँ पे, क्रीम टाउन के अंदर, और देखेंगे इन लोगों की फेमस काफ़ी सीताफल रबड़ी, तो टेस्ट करके आपको बता दें। चलिए दोस्तों, हम लोगों की सीताफल रबड़ी अब रेडी हो चुकी है। दिखने में काफ़ी अच्छी साइज़ है, 200 रुपये प्राइस बताया गया है इसका, और मेरी फेवरेट तो सीताफल रबड़ी है ही, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाला गया है, तो टेस्ट करके आपको बताते हैं इसका रिव्यू कैसा है। चलिए, दिख तो रहा है काफ़ी सारी रबड़ी मैंने खाई है सीताफल की, पहले देखेंगे उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। रबड़ी में थोड़ा थोड़ा सा स्वाद सीताफल का आपको आएगा, क्योंकि इसको ब्लेंड नहीं किया गया है, ऊपर से डाला गया है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यह है कि आप यहाँ पे क्रीम टाउन में अगर ये रबड़ी खाने के लिए आए ना, तो जो आपको सीताफल रबड़ी की जो आइसक्रीम दी गई है, आइसक्रीम, तो उसको मिक्स करके खाए तो इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने ट्राई किया, आपको दिखाता हूँ ये आइसक्रीम, तो आप मेल्ट करके अगर खाएंगे ना इसके साथ, उसका टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, ऑनेस्टली। तो आपको टेस्ट इसका ज़्यादा आएगा और बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से। तो क्या बना रहे भाई अभी हम लोग? भाई अपनी बॉम्बे ग्रिल सैंडविच बना रहे। बॉम्बे ग्रिल सैंडविच, ओके। क्या प्राइस है भाई इसका? 160। कितने आदमी लोग खा सकते हैं मतलब इसको? एक में दो लोग खा सकते हैं, सफिशेंट खा लेंगे, अगर भूख लगी अभी टेस्ट के हिसाब से एक में एक भी खा लेंगे। ओके, बढ़िया। तो कुछ स्पेशलिटी है कि भाई हम लोग की बॉम्बे ग्रिल सैंडविच में कुछ ऐसे क्या? अपन ने अपने हिसाब से रखे उसमें, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, ओके, इसको बनाने का जो तरीका है, क्या हमारी स्टाइल से हम लोग बनाएंगे। ये क्या है भाई? ये चटनी है, ये स्पेशल चटनी है क्या हम लोगों की? ओके, और ये क्या है भाई? ये चटनी है। कौन सी? शेजवान चटनी है। अच्छी, ठीक ठाक तरीके से हाइजीन रखी गई है किचन में, देख सकते हैं आप लोग। खीरा ककड़ी डाली जा रही है, इसमें चॉप करके हम लोग ऑनियन, प्याज, ओके, चीज़। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि वीडियो बना रहे तो हम लोग कुछ ज़्यादा क्वांटिटी डाल देंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार हम लोग गए खाने के लिए, क्रीम टाउन में ऐसा नहीं होगा, नहीं। जो दिखाया जाएगा वही, और जितना दिखाया जाएगा वही मिलेगा, वही मिलेगा। बढ़िया, अच्छी क्वांटिटी में डाला जा रहा है भाई। अभी तो लेयर वन है, लेयर वन है, ऐसे कितने लेयर गिरेंगे? अभी ये एक हो गया। ओके, ये एक लेयर होगा, एक लेयर होगा। ओके, ब्रेड का सेकेंड लेयर, ओके, क्या बात है। लोकल लेयर टू रेडी हो चुका है, ये क्या है भाई? ये टोमेटो सॉस है।
केचप, टमाटो केचप या सॉस कहा जा सकता है। स्प्रेड चीज, ओके। काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। हाँ, हम लोगों का तीसरा लेयर, क्या बात है। मतलब बड़ा हो गया है भाई, साइज देखिए, मेरे हाथ से, मेरे हाथ के साइज से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, क्या कहने। टोस्ट होने के लिए थोड़ा बटर लगाया जा रहा है। अच्छा दिख रहा है भाई, बढ़िया। हम लोग करेंगे ग्रिल इसको, इतना बड़ा है कि भाई बैठ रहा भी नहीं है। रेडी हो चुका है भाई, कुछ मिनट ग्रिल करने के बाद बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है चीज़ की। हम लोग का ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है भाई, देखो स्टॉपिंग बाकी है, टॉपिंग बाकी है। स्पेशल सैंडविच है तो स्पेशल टॉपिंग भी तो बाकी रहेगी भाई। ज़बरदस्त, ऊपर से चाट मसाला डाल दो, चाट मसाला ना भाई, चाट मसाला के आखिर में चीज़। देखिए तो दोस्तों, हम लोगों का बम्बई ग्रिल चीज़ सैंडविच रेडी हो चुका है। साइज़ देखिए आप, मेरे हाथ से, पाम से भी बड़ा इसका साइज़ है और थिकनेस इतनी ज़्यादा है, 2.5 इंच, 2.5 इंच का इसका थिकनेस है। 1.2 आदमी तो मैक्सिमम आराम से खा सकते हैं 160 रुपीज़ में, बेहतरीन है। टेस्ट करके बताएंगे आपको कहाँ से स्टार्ट करें भाई। चलो यहाँ से लेते हैं, तो जो डाला हुआ है अच्छा मैश किया हुआ है, इसका टेस्ट बढ़िया आ रहा है। सबसे ज़्यादा टेस्ट तो मुझे ग्रिल सैंडविच में पोटैटो का आ रहा है, फ्लेवर, रिच फ्लेवर आ रहा है काफ़ी, और हेल्दी मालूम हो रहा है कि आप लंच के टाइम में भी अगर ये खाएंगे ना, आपको सफिशेंट है, दूसरा फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर से जो हम लोगों का जो ऊपर मसाला डाला गया था चाट, टैंगीनेस फ्लेवर उसमें से बेहतरीन आ रहा है, बढ़िया है। सर चीज़ का क्वांटिटी, चीज़ बढ़िया क्वांटिटी में डाला गया है, मैं बताया ना आपको वीडियो में ही पहले, बढ़िया क्वांटिटी में चीज़ डाला गया है और अच्छी तरीके से तो ग्रिल किया गया है। ऐसा नहीं कि आधा पका हुआ है आधा कच्चा है, ऐसा नहीं बता सकते आप, ऑनेस्ट रिव्यू है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। चलिए चलिए।